हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी हम बात करेंगे ZTL लिमिटेड की जो हाई डिलीवरीज में सामने आई है एंड ESM अपडेट की भी बात करेंगे। लेटेस्ट न्यूज़ की और लेटेस्ट न्यूज़ की यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे 5G के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ है उनकी अभी हम तफसीस से एनालिसिस करेंगे, बात करेंगे। फर्स्ट यदि आज का हम प्राइस चेक करें तो 8.75 रुपये पर लास्ट ट्रेडिंग टाइम पर यहाँ पर गिर के बंद ही हुआ है। साथ साथ यदि न्यूज़ की बात करें तो जो यहाँ पर मार्केट में न्यूज़ सामने आ रही है, फर्स्ट न्यूज़ यहाँ पर ये रहने वाली है, 5G डेवलपमेंट टू बिगिन इन 20 to 25 cities, 20 से 25 city में 5G यहाँ पे आने वाला है। एंड यदि बात करें टाउन वाइज यदि बात करें तो यहाँ पे टेलीकॉम मिनिस्टर ने यहाँ पे बोला है कि ये स्टार्ट देखने को आपको मिलेगा अगस्त से सितंबर मंथ में। एंड साथ साथ अश्विनी वैष्णव का ये बयान है, यहाँ पे बताया गया था कि 4G के बाद 5G में यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे, क्योंकि 4G के बाद 5G आने वाला है तो यहाँ पे बहुत अच्छे डेवलपमेंट इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे यदि देखें ZTL इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ZTL लिमिटेड दोनों को यहाँ पे बताया गया है कि जियो यहाँ पे अंडरटेक कर सकता है। इंडिया रिटर्न की बात करें तो बहुत अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं मार्केट बेसिस पे, जैसे कि आप सभी के बीच हम यहाँ पे मार्केट बेसिस पे जो भी रिटेल इन्वेस्टर उनके द्वारा क्या यहाँ पे क्वेरीज आती है, क्या यहाँ पे न्यूज़ चलती है उनकी हम बात कर रहे हैं। साथ साथ यदि बात करें ZTL इंफ्रास्ट्रक्चर के जो यहाँ पे टारगेट बताए जा रहे हैं वो 10 to 15 rupees है एंड ZTL लिमिटेड के जो टारगेट बताए जा रहे हैं वो 30 to 45 rupees है। दोनों मल्टी वैगर बन के शावित यहाँ पे हो सकते हैं, ऐसी मार्केट में यहाँ पे न्यूज़ चल रही है। साथ साथ एक और यहाँ पे जो न्यूज़ है वो यहाँ पे बता रही है, शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पे 24 के ZTL लिमिटेड के यहाँ पे बताए जा रहे हैं। उसके बाद अभी हम लेटेस्ट एनालिसिस में यहाँ पे चेक करेंगे फॉरम सेंटीमीटर में सभी इन्वेस्टर यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी की सलाह बता रहे, कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे अभी सेलिंग की या होल्डिंग की नहीं बोल रहा है, सभी अभी बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बोल रहे हैं। उसके साथ यदि आप टेक्निकली रूप से देखें तो टेक्निकली रूप से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी होने को दिख रहा है, क्योंकि 8.75 रुपये वाले प्राइस वाला शेयर अभी 50 days DMA यदि आप चेक करें तो 9.39 रुपये रहने वाला है, मतलब अपने प्राइस से काफ़ी इर्द गिर्द ही इसका 50 days DMA रहने वाला है, क्योंकि येलो लाइन यदि आप देखें तो पर्पल लाइन के जस्ट बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। इसका मतलब है ये कभी भी अभी वी शेप रिकवरी देते हुए येलो लाइन को क्रॉस कर सकते हैं। येलो लाइन को क्रॉस करने का मतलब है कि ये शेयर फिर आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट दे सकता है, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट के लिए इसको अभी 12.35 रुपये को यहाँ पे क्रॉस करना पड़ सकता है। उसके साथ यदि बात करें IDBI ट्रस्टी के द्वारा लगातार बिकवाली, इस शेयर में लगातार गिरावट की मेन वजहों में से एक वजह जरूर रहा है, सेकंड वजह मार्केट में लगातार गिरावट एंड थर्ड जो वजह है वो 5G में जो लेट हो रही है, जो देरी हो रही है, वो इसकी इन तीन वजहों की वजह से ZTL लिमिटेड लगातार गिरावट का कारण इसमें बना हुआ है। उसके साथ यदि आप चेक करें मार्केट कैपिटलाइजेशन, इस समय 138 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी हाई, अपना जो हाई है 32 रुपये हाई बना चुकी है, देन वहाँ से अभी गिर के 8.75 रुपये पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ अवेलेबल है। बुक वैल्यू अभी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में पहुँच चुकी है, फेस वैल्यू की बात करें तो 10 की फेस वैल्यू के साथ शेयर यहाँ पे अवेलेबल रहने वाला है। BSE काउंटर पर शेयर अभी 8.77 रुपये आज के दिन यहाँ पर 2.56% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। उसके बाद यदि आप 52-week हाई देखें तो वो यहाँ पर भी 32 रुपये के ऊपर रहने वाला है, 7.78 रुपये इसका लो है, तो अपने लो से 52-week लो मतलब वन ईयर का जो इसका लो है 7.78 रुपये उसके काफी इर्द गिर्द काफी करीब 8.77 रुपये पे अभी इस समय चल रहा है। उसके साथ यदि आप आज की डिलीवरी वेस्ट पैटर्न देखें तो आज के दिन 77% की एक बहुत हाई डिलीवरी आज के दिन BSE के काउंटर पर उठने को देखने को मिली है, जो कल के दिन नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में थोड़ी सी पॉजिटिविटी बना के दे सकता है। NSE के काउंटर पर यदि डिलीवरी वेस्ट पैटर्न चेक करें तो यहाँ पे भी लगभग 70% से ऊपर का डिलीवरी पैटर्न रहने वाला है, जो बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है इन शेयरों को लिए यहाँ पे बना के देती, जबकि यदि आप चेक करें NSE पे तो 3 लाख से ज्यादा के शेयरों की क्वांटिटी ट्रेडिंग देखने को मिली। डिलीवरी वेस्ट पैटर्न की बात करें तो 2,20,000 शेयरों की यहाँ पे डिलीवरी देखने को मिली है, 71% बहुत बड़ा डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे रहने वाला है। उसके साथ यदि आप NSE के काउंटर पर बात करें तो 8.70 रुपये पर लास्ट ट्रेडिंग टाइम पर बंद होने को दिखा है, तो यहाँ पे भी गिरावट रही है, वहाँ पे 25 पैसे BSE पे 25 पैसे की गिरावट रही है आज के दिन। NSE पे यदि बात करें तो यहाँ पे 30 पैसे की गिरावट आज के दिन देखने को मिली है। उसके साथ यदि आप डिलीवरी पे इस पैटर्न देखें, क्या डिलीवरी किसकी यहाँ पे रहने वाली है, तो प्रमोटर्स के पास अभी भी इसमें 14% का स्टेक है, 14% से ऊपर का स्टेक प्रमोटर यहाँ पे रख रहे हैं। साथ साथ FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टरों की यदि बात करें तो इनके पास ओनली अभी 1.69% का स्टेक है। FIIs की यदि बात करें, DIIs की यदि बात करें तो 19% से ऊपर का स्टेक DIIs डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टरों के पास है। बकाया बहुत बड़ा माल अभी भी इसमें पब्लिक के पास बना हुआ है, 64% से ऊपर का स्टेक
अभी भी यहाँ पे पब्लिक के पास इसमें है। प्रमोटर्स की यदि बात करें तो प्रमोटर्स में जो सबसे बड़ी होल्डिंग रखी है वो ग्लोबल होल्डिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, इनके पास यहाँ 14% से ज़्यादा की होल्डिंग है जो यहाँ पे प्रमोटर्स का रूप लिए हुए है। FIIs की यदि हम बात करें तो FIIs के पास कोई भी स्टेक नहीं है। DIIs में यदि यहाँ पे देखें FIIs में स्टेक है वो छोटा मोटा स्टेक है, कोई भी बड़ा स्टेक किसी एक के पास नहीं है। साथ साथ यदि DIIs में बात करें तो लगातार DIIs का जो स्टेक हम देखते हैं ये सभी बैंकिंग कंपनियाँ यहाँ पे ZTL लिमिटेड का स्टेक अभी रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा ZTL लिमिटेड ने इन सभी बैंकों से उठाया हुआ है। तो ये सभी बैंक है जो आपके सामने स्क्रीन पे शो होती हुई दिख रही है। फर्स्ट यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास सबसे ज़्यादा स्टेक 4.80% का, बैंक ऑफ इंडिया के पास 3.88% का स्टेक है। थर्ड यदि बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के पास 2.93% का स्टेक, कैनरा बैंक मुंबई के पास 2.09% का स्टेक। उसी के साथ यदि आप चेक करें इंडियन ओवरसीज बैंक के पास 1.55% का स्टेक, यूको बैंक, फेडरल बैंक, इंडियन बैंक, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक, इन सभी बैंकों के पास छोटा मोटा स्टेक कहीं ना कहीं ZTL लिमिटेड का यहाँ पर दिखाई देता है। एंड साथ साथ यदि पब्लिक में बात करें तो पब्लिक में इन सभी कॉरपोरेट्स के पास एक बहुत बड़ा स्टेक यहाँ पर सामने, क्लियरिंग मेंबर्स के पास यहाँ पर 12% से ज़्यादा का स्टेक ZTL लिमिटेड का यहाँ पर सामने बनता हुआ दिखाई देता है। साथ साथ IDBI कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लिमिटेड के पास 11% से ऊपर का स्टेक, एंड HUF की भी यदि बात करें तो 1.69, वॉडीज कॉरपोरेट के पास 1.551% का स्टेक, NRI कोटे में 0.80% का स्टेक। एक लंबी लाइन आपके सामने है जिनके पास जो जो स्टेक है वो आपके सामने मैंने यहाँ पर प्रदर्शित की है। बकाया यदि आप यहाँ पर चेक करें जो कंपनी की क्वार्टर फोर में सेल सामने निकल के आई थी वो क्वार्टर थ्री के बेसिस पे लगभग बराबर ही थी, क्योंकि क्वार्टर तीन में जो कंपनी ने 49 करोड़ की सेल्स यहाँ पर जनरेट की थी, क्वार्टर फोर्थ में वो 47 करोड़ की सेल्स यहाँ पर बन के सामने नजर आई थी। अदर इनकम के बेसिस पर बात करें तो कोई भी यहाँ पर डिफरेंस नहीं आया था, क्योंकि क्वार्टर तीन में भी यहाँ पर जो अदर इनकम 1 करोड़ की आई थी, क्वार्टर फोर में भी वही सेम इनकम 1 करोड़ की यहाँ पर देखने को मिली थी। टोटल इनकम की बात करें तो 3 करोड़ की गिरावट यहाँ पर टोटल इनकम में देखने को मिली क्वार्टर तीन की बेसिस पर। अभी हम क्वार्टर टू क्वार्टर बात कर रहे हैं, वैसे अभी बात करें क्वार्टर वन 2022 की तो उसके रिजल्ट्स जल्दी आपके सामने इसी मंथ के लास्ट तक बनते हुए देखने को मिलेंगे। साथ साथ यदि इंटरेस्ट की बात करें तो कंपनी ने 5 करोड़ का इंटरेस्ट पे आउट किया है दोनों क्वार्टरों में, चाहे वो क्वार्टर तीन हो चाहे वो क्वार्टर फोर हो। टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें कंपनी ने पिछली बार कोई भी खर्चे नहीं किए थे, बकाया अपने खर्चे बहुत ज़्यादा कम किए थे, या हो सकता है ये सभी खर्चे अभी 57 करोड़ के खर्चे किए, जिस कारण से कंपनी को यदि आप देखें पिछली बार जो नेट प्रॉफिट था 457 करोड़ का वो अभी नेट लॉस में तब्दील होने को दिखा है, क्योंकि पिछली बार जो 457 करोड़ का प्रॉफिट था इस समय 15 करोड़ के कंपनी को लॉसेस देखने को मिले। इन्हीं लॉसेस की वजह से कंपनी के शेयर के प्राइस में लगातार जबरदस्त गिरावट है। बकाया आपका इस शेयर में क्या ख्याल है, 26 जुलाई की डेट आप यहाँ पर याद रख लीजिए, जिस डेट को यहाँ पर 5G ऑक्शन डीलिंग यहाँ पर होनी है। उसके बाद फिर इन सभी शेयरों में, इस पूरे टेलीकॉम सेक्टर के सभी शेयरों में एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, शेयर का रेट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाते हुए आपको दिख सकता है। बकाया यदि आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अभी हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।